इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने के आदेश दे दिए हैं और समन भेजकर 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया है। मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक और कुमार मंगलम बिरला को भी समन भेज दिया गया है। तीनों को हिंडेल्को कोल ब्लॉक आवंटन पर आरोपी के तौर पर समन भेजा गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी समन भेजकर 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने के लिए इस केस में कह दिया है। और इस बीच मनीष तिवारी क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। पिछली सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण उनको सर झुकाना पड़े। और ये जो कोयले खानों की आवंटन की प्रक्रिया थी, ये 1993 से लेकर 2009 तक वैसी ही थी। अगर किसी निचली अदालत ने कोई फैसला किया है तो इसको देखना पड़ेगा, और जो लोग आज इसके ऊपर हंस रहे हैं वो कल को इसके ऊपर रोते ना मिले। भारतीय जनता पार्टी ने कोयला घोटाला निकाला था और हमारी एक पब्लिक में कमिटमेंट है। आप जानते हो मैंने भी 2 साल हंसराज आहिर और मैंने काफी मेहनत की थी इन घोटाले निकालने के लिए। घोटाले की निष्पक्ष जांच कोर्ट की निगरानी में, और जो भी दोषी हो इंक्वायरी हो, सजा हो, अंत तक जो भी है, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय दोषी है उसकी भी जांच हो, सजा हो। सीधे आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। आशीष, काफी बड़ी ये खबर हो गई है क्योंकि बाकायदा पटियाला हाउस कोर्ट ने अब 8 अप्रैल को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेज दिया है इस मामले में। जाहिर तौर पर तान्या, क्योंकि इससे पहले कई बार इस मामले में आज पीएमओ तक पहुंची है, लेकिन वो आज पूरी तरीके से पीएमओ को घेर चुकी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 8 अप्रैल को पेश होने को कहा है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कोयला घोटाले को लेकर। दरअसल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि वो भी इस मामले में आरोपी हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इसके साथ ही पद का गलत इस्तेमाल। दरअसल पूरा मामला 2006 का है, जब हिंडाल्को को तत्कालीन जो समय मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनके रिकमेंडेशन पर पीएमओ की तरफ से हिंडाल्को को तालाबीरा 2 में कोयला खदान दिया गया था, क्योंकि पूरे मामले की निगरानी देश की सबसे बड़ी अदालत कर रही थी। और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई ने पहले इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पास की और ये कहा था कि हिंडाल्को यानी जिसके डायरेक्टर है कुमार मंगलम बिरला, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद यानी निचली अदालत की फटकार के बाद सीबीआई को इस पूरे मामले में फिर से बयान दर्ज करने पड़े। फिर उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, तब कोर्ट ने कहा कि आप उस समय तत्कालीन कोयला मंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री मनमोहन सिंह से आपने पूछताछ क्यों नहीं की। उसके बाद सीबीआई ने मनमोहन सिंह से पूछताछ की, कुमार मंगलम से पूछताछ की और पीसी पारिक से पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने आज संज्ञान लेते हुए इन सभी लोगों को, कुमार मंगलम बिरला, पारिक, मनमोहन सिंह को 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के कहा है आरोपी के तौर पे। बिल्कुल आशीष, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, कितनी बड़ी ये खबर है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट में पेश होना होगा आरोपी के तौर पर इतने बड़े एक घोटाले के मामले में। जी हाँ, भारत के इतिहास में मैं समझता हूँ ये दूसरा ऐसा केस है। पहला एक केस था नरसिम्हा राव के लिए पर एक क्रिमिनल चार्ज था जिसपे ये समन गया था। मुझे लगता है कि ये अपने इतिहास में करप्शन को लेकर ये पहला केस है जिसमें कि कोयला मंत्री, प्रधानमंत्री खुद भी कोयला मंत्री थे, और जो डॉक्ट्रिन होता है क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस का, वाइकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी, उसमें साफ साफ है कि अगर आप कोयला मंत्री, जितना ही आप उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से डिस्टेंस दूर रहते हैं उतना ही आप पर वो लायबिलिटी कम होती जाती है। यहां पे मुद्दा दूसरा है, आप सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, आप कोयला मंत्री भी थे, और वो जो सारे जो डिसीजंस होते थे इस तरह के आवंटन के, उसमें आपको जानकारी रहती थी। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मैं प्रधानमंत्री था, बहुत बिजी था, क्योंकि अगर आप कोयला मंत्री थे तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी आप तक ये पहुंचती है। तो कोर्ट ने मेरे ख्याल से जो ये फैसला किया है वो बहुत ही वाजिब है, और इसमें कोयला मंत्री को यानी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को
जाना पड़ेगा और डिपोज होना पड़ेगा। इसमें कोई बचाव मुझे लगता नहीं है और यह अपने आप में इतिहास में एक पहली घटना है जिसमें कि देश का प्रधानमंत्री करप्शन के किसी चार्ज में इस तरह से समन किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए इस बीच प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। तो ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा जनता को, जनता ने तो पहले ही उनकी छुट्टी कर दी है, लेकिन ये कोयला घोटाला बिल्कुल कांग्रेस की काली करतूत है और ये सारा एक्सपोज होता रहेगा और हमने पारदर्शी तरीके से किया है उसका। किस मुंह से वो विरोध करते हैं, मुझे लगता है बाकी दल भी समझेंगे सोचेंगे। इन इंग्लिश सर, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? वुड यू सी टुडे व्हाट इज एक्सपोज्ड इज ऑलरेडी वाज नोन एज ए कोल स्कैम। इट इज ए कांग्रेस स्कैम बिकॉज द लेटर चूज टू कम फ्रॉम समवेयर एल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो प्रकाश जावड़ेकर कांग्रेस पर पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच अली अनवर ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। अब जांच जब चल रही है तो उसमें हम लोग क्या हस्तक्षेप करें। वैसे एक बात सही है कि सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग तो सरकारें केंद्र की करती रही हैं, ये कोई नई बात थोड़े है। सिंह साहब, कुल मिलाकर इस मामले में जो पहली चार्जशीट थी उसमें पीएम का नाम कहीं नहीं था, क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई थी, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट मांगने से इनकार कर दिया था, काफी कुछ हुआ है, लेकिन जिस स्तर का ये घोटाला था उसके बाद पीएम का खुद डिपोज होने के लिए अब 8 अप्रैल को जो कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मायावती कुछ कह रही है वो सुन लेते हैं। अब इसके ऊपर कुछ बोलना तो मैं समझती हूँ ठीक नहीं रहेगा। अब जो भी जुडिशरी डिसीजन लेगी वो तथ्यों के आधार पर ही लेगी। एक सवाल पीडीपी वाला मामले पर है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, तो मायावती को हमने सुना क्या कह रही थी इस मामले पर। सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि बतौर आरोपी कोर्ट अगर बुलाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है पूर्व पीएम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आरोपी के रूप में बुलाना अपने आप में होगा, लेकिन उस समय जब सारे स्थितियों को देखें ये बात सही है। मुझे याद है कि झारखंड के एक कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए अपने भतीजे के लिए एक मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और कहा कि इनको आवंटित किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर मिनिस्ट्री को लिखा, कोल मिनिस्ट्री को, कि प्लीज एक्सपेडाइट, प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड एक्सपेडाइट। जब प्रधानमंत्री ये लिखते हैं, क्यों एक मिनिस्टर उनका सिफारिश करता है अपने भतीजे के लिए और तब आप उस मिनिस्टर को निकालते क्यों नहीं है, तब यह मैसेज दूसरा जाता। लेकिन जब इस केस में मैंने देखा कि उन्हीं का एक मंत्री अपने भतीजे के लिए लिख रहा है और तब वो आगे लिखते हैं, किसकी हिम्मत है उस मिनिस्ट्री में जो कि इस नोट के बाद उसके फेवर में ना फैसला दे। तो अगर आप पूरी घटनाक्रम देखें, चिट्ठियां लिखती थी, बिल्कुल सही है कि उस जमाने में चिट्ठियां जाती थी, और चिट्ठियां जाती थी तो यह होता था कि मिनिस्ट्री को फिर सारे रूल्स, आपने 2G स्पेक्ट्रम में देखा किस तरह ए राजा ने सारे रूल्स ब्लॉक करके एडमिनिस्ट्रेटिव बिडिंग की और एडमिनिस्ट्रेटिव ने कुछ घंटों के टाइम में अपने लोगों को बुला लिया, ये 2G स्पेक्ट्रम का मामला था। तो उसी घटनाक्रम में जब जुडिशियरी देखता है चीजों को तो पाता है कि ये तो पूरा का पूरा आवा ही खराब है, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वही खराब है। और उसमें जब देख रहा है वाइकेरियस लायबिलिटी जब होती है तो सीधी सी बात है कि अगर ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहे, कोल मिनिस्टर ना रहते, तो शायद ये लायबिलिटी जो होती वो उतनी दूर तक ना जाती। लेकिन अगर आप कोल मिनिस्टर भी हैं तो लाजमी है कि आपको ये संज्ञान में रखना होगा कि आपके यहां आवंटन कैसे हो रहा है, इसलिए आप इससे बचे, ये मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है इस सिस्टम। बिल्कुल, चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा का रुख करते हैं। आशीष, ये बताइए कि कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर किस किस तरह के आरोप इस केस में है। देखिए, कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि इस पूरे मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसके अलावा हिंडाल्को के डायरेक्टर कुमार मंगलम बिरला और तत्कालीन सचिव पीसी पारिक के बयान को दर्ज करिए। उसके बाद सीबीआई ने बयान को दर्ज किया था जिसकी कॉपी उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में सौंपी थी। आज कोर्ट ने, यानी जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसी पे कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद इनको समन जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, यानी आपराधिक साजिश हुई है। इसके अलावा एब्यूज ऑफ पोजीशन, यानी पद का गलत इस्तेमाल के तहत आरोपी बनाया है और 8 अप्रैल को पेश होने को कहा है। आशीष, ये भी समझाइए कि क्या इस पेशी से बचने का आप कोई तरीका है या फिर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को 8 अप्रैल को पेश होना ही होगा।
जाहिर तौर पर विकल्प रहे हैं। इसके बाद वो अगर चाहे तो इस पूरे मामले को वो दिल्ली के हाईकोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, जो समन इश्यू हुआ है वो उसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं मनमोहन सिंह चाहे तो। अगर दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। एक लंबा वक्त है यहाँ पे उनके पास, तकरीबन अगर हम देखें तो 20 से 24 दिनों का उनके पास समय है। अब वो आराम से इस पूरे ऑर्डर को देख सकते हैं और उसके बाद वो चाहे तो उससे ऊपरी अदालत यानी दिल्ली हाईकोर्ट, अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट वो अप्रोच कर सकते हैं राहत के लिए। बिल्कुल आशीष, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोलगेट केस में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पेश होने का आदेश दे दिया, एक समन बाकायदा उन्हें भेज दिया गया है। 8 अप्रैल को उन्हें पेश होने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से कहा गया है। एनके सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, एक छोटे से बने हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आरोपी बना दिया गया है क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाने का आदेश दे दिया है और साथ ही 8 अप्रैल को पेश होने के लिए समन भी जारी कर दिया गया है। इस बीच प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाकर पेश करने की बात की, कितना बड़ा झटका है? वो ऐसा है, कोल घोटाला है, कांग्रेस का घोटाला है। कल ही मैंने कहा था कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी के साथ क्या किया कि उनको सीबीआई और कोर्ट के चौखट पर लाके खड़ा कर दिया। और लेकिन मनमोहन जी भी कोल मंत्री थे, उनके सिग्नेचर्स हुए थे, वही सारे कोल खदाने रद्द हुए हैं, तो उनको तो जवाबदेही बनती है। लेकिन कांग्रेस अब गिरेबाद में झाकर देखे, जनता का समय का तकाजा है कि अब पारदर्शिता लोग चाहते हैं और मोदी सरकार पारदर्शिता ला रही है, कम से कम उसका विरोध न करे, ये तो उनको कम से कम सुधार करना चाहिए। कह रहे हैं कांग्रेस का खेल है तो क्या कांग्रेस ने मोहरा बनाया पूरे प्रधानमंत्री? तो जयंत नटराजन के पत्र से साफ हो गया कि किस तरह से दबाव बाहर से आता था। तो क्या ये राजनीतिक साजिश बता रहे हैं कांग्रेस के नेता? ये राजनीतिक कोर्ट कोई राजनीति के आदेश नहीं देती, राजनीति से आदेश नहीं लेते। ये है प्रकाश जावड़ेकर जो कह रहे हैं गलत है, कोर्ट राजनीति से नहीं चलती और जो आरोप लगे हैं वो पूरे कांग्रेस की चाल है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, सारे खेल में वो शामिल रहे हैं। कैमरामैन गंगा के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। एक छोटे से प्यारा हाउस कोर्ट ने हिंडल्को कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने का आदेश दे दिया है और साथ ही 8 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भी भेज दिया है। एनके सिंह साहब हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। सिंह साहब, अभी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता बता रहे थे कि विकल्प है इस पेशी से बचने के लिए, लेकिन पॉलिटिकली क्या सही होगा, क्या डिपोज होना चाहिए पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर या फिर हाईकोर्ट जाकर से बचने की कोशिश करनी चाहिए? तानिया, मुझे लगता है कि उसमें पूरी निष्ठा के साथ जाके डिपोज होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप सुपीरियर कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए और वहां पे आपको मना कर दिया गया, तो जो ये आपको विक्टिम इमेज मिलेगी, जो पब्लिक सिंपैथी मिलती, वो भी आप लूज कर जाएंगे क्योंकि अदालत ने आपको मना किया है। तो इसलिए अपील में जाना इसके खिलाफ मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रूडेंस नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है राजनीतिक रूप से। इसमें चुपचाप जाके अपने को डिपोज करना चाहिए, जो कहना है वो वहां पे कहें, जब केस का फैसला है उसके लिए ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे हाईकोर्ट में जाना, हाईकोर्ट में अगर खारिज हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाना, मुझे लगता है ये जो बचने की स्थिति है इससे जो पब्लिक सिंपैथी आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ भी कहिए मनमोहन सिंह के व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, चरित्र के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता, तो उसमें अगर ये आप जाके और हाई कोर्ट में अपील करते हैं और वहां से खारिज हो जाती है अपील, बिल्कुल, तब आपके ऊपर पब्लिक का भी सिंपैथी भी खत्म। चलिए, कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाने के आदेश हिंडल्को कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं, समन भेज दिया गया है। 8 अप्रैल को इस मामले में उन्हें पेश होने का आदेश दे दिया गया है। इनके सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए।